अरे ये वहां से प्लेस को डाउन करना कुछ खास मुश्किल है नहीं, एरिया बहुत ज्यादा अच्छा है और यहां से जो एक्सपेक्टेशंस हैं टीम से खड़ी उतरती भी दिख रही है। हम हाई ग्राउंड प्लस ट्रेंच कवर और क्या चाहिए टीम सोल को, लगातार आप देख सकते हैं यहां पर डैमेज दे रहे हैं टीम सोल हर एक डायरेक्शन में। जाइए आप लोग भी इस फाइट को एंजॉय कर सकते हैं यहां पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और इसी के साथ साथ जो भी स्टैंडिंग्स है वो आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर @skysportsgaming को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रीम को बिकॉज एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट एंड ऑफ कोर्स यहां पे एंटरटेनमेंट जब है तब आपको कंपटीशन भी देखने का मौका मिलेगा, एंजॉय कीजिए एंड उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओह गॉड, लाइक की टीम स्काईलाइट्स के साथ बिनबॉल की मार्कोस गेमिंग को भी थोड़ा सा परेशान करती हुई है खिलाड़िया। वाओ नियो का एक और स्प्रे, सूर्य को भी नॉक कर दिया जाता है, सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचा हुआ है, 5 से सीधा 9 फिनिश पॉइंट्स हो सकते हैं। गॉड लाइक के नाम नियो यहां पर 2 प्लेस को डाउन कर चुके, पेड़ के पीछे एक खिलाड़ी बचा हुआ है, नियो पीछे से सरप्राइज अटैक का शिकार भी हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान उस चीज का रखना पड़ेगा, नहीं है नियो को आइडिया। सारंग यहां पे आप देख सकते हैं फिनिश ऑफ हो जाते हैं एंड धीरे धीरे करके हर एक चीज यहां पे कन्वर्ट हो रही है टीम सोल के फेवर में, फिर से जोन जाता है सोल के पास। आपको क्या लगता है दर्शकों कौन सी टीम जीतने वाली है, इंस्टाग्राम पे जाइए वोट कीजिए, पोलिंग सेक्शन यहां पे खोल दिए गए हैं, कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। सोल मॉर्टल कमिंग अप इन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिनिश फील्ड, एक 1v3 लेके जाने वाले हैं अपने ग्रेनेड के साथ साथ। जोन के सेंटर में मॉर्टल को सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को बिठा दिया, स्काउट वहां पर अपनी डीएमआर के साथ क्लच स्क्वाड को डाउन करते हैं, लुक एट द फिनिशेस, 14 फिनिशेस के साथ। मुझे वो सेगमेंट दोबारा से याद आ रहे हैं कि जब जीतना सबसे ज्यादा जरूरी होता है तब टीम सोल आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सेमीफाइनल्स का वो आखिरी मैच और ग्रैंड फाइनल्स के छठे दिन का पहला मुकाबला, यहां से कुछ और ही फॉर्म में नजर आ रही है टीम सोल, एक अलग ही माइंडसेट के साथ यहां पर देखने को मिल जाएगी। और ये रिजल्ट्स अगर इनके फेवर में जाते हैं तो अभी तक के जितने सवाल आते कि क्या कर पाएगी, क्या टॉप 5 आएगी, सब सवालों पर पानी फेर दिया जाएगा बिकॉज यहां से कुछ भी हो सकता है। जोनाथन पर यहां पर डाल दिया जा रहा है टीमर के चलते, ब्यूटी विद दैट नॉकआउट सी खोज रहे हैं, 7 सोलो फिनिश पॉइंट्स इनके नाम। लुक एट द स्प्लिट ऑफ टीम सोल, कोई भी खिलाड़ी साथ में नहीं है, स्काउट एक एंगल पे है, मॉर्टल दूसरे एंगल पे है, मैं देख सकता हूं दूसरी तरफ में मवी खेल रहे हैं एंड रेगल टॉस एक अलग ही दुनिया में, यहां पे स्पैम किया जा रहा है मिनी 14 के साथ साथ, सब प्रेशर का जो फायदा मिल रहा है रेगल टॉस, यहां पे ऑस्टिन का भी फिनिश ऑफ लेके जाने वाले, टॉप डॉग को भी किया जाता है फिनिश, स्काउट को यहां पे फाइनली करेंगे नॉकआउट, लेकिन कौन सी टीम है वो, इट्स गोइंग टू बी 7 सीज, अभी संभल के रहना पड़ेगा। और मवी का बैकअप आता है, जय दिक्कत में और वीरू ना आए, कैसे हो सकता है ये मुमकिन। बसंती क्या गब्बर भी नचा देंगे आज 18 फिनिशेस के साथ टीम सोल की डोमिनेशन, त्रिवेदी साहब को यहां पर मॉर्टल और स्काउट दोनों को रिवाइवल देना है, जोन के बाहर है 72 मीटर तक जाना है, अगर रेगल टॉस मॉर्टल को रिवाइवल दे देते तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जोनाथन को फिनिश ऑफ कर यहां पर 19 फिनिशेस के साथ टीम सोल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, बट गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी अभी भी बचे हुए हैं जिनके पास जोन का एक बेहतर एरिया है, जो 2 प्लेस नॉक है, अगर वो डाउन हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि यहां से इक्वेशन थोड़ी सी बराबर ही हो चुकी है। प्रिंस यहां पर स्काउट को पूरे तरीके से फिनिश ऑफ कर जाते हैं, मॉडल जो नॉक है उन्हें रिवाइवल देना मुझे आसान नहीं लग रहा कैप्टन, एंड ये इक्वेशन कहीं ना कहीं 2v2v2 पर ही आ चुकी है। वेल रेगल टॉस कोशिश तो कर रहे हैं मॉडल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, नियो यहां पे 7 सीज के ऊपर थर्ड पार्टी करते हुए नजर आएंगे, मतलब 7 सीज को भी जूझना पड़ेगा यहां पर 2 टीम के साथ साथ, 3 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स है, टीम सोल 7 सीज एंड गॉड लाइक क्लच गॉड जब तक है तब तक मुमकिन है ये फाइट लेके जाना, रेगल टॉस भी यहां पे हार नहीं मानने वाले हैं, वो आते हैं रिवाइविंग। अब नहीं है 12 मैचेस, वी आर अप टू इट, यहां पर अब डोमिनेशन की बारी आ चुकी है, रेगल टॉस मॉर्टल एंड मवी एक ईस्टर्न कॉर्नर पर, सामने से आपको मिल जाएंगे 7 सीज के 2, वेस्टर्न साइड पर आपको मिल जाएंगे टीम गॉड लाइक के 2 खिलाड़ी, बट जोन अगर इस पूरे मैच में किसी से अपनी दोस्ती सही तरीके से निभा पाया तो इट वॉज टीम सोल, अभी तक भी सर्कल के अंदर है और गेट कीप करना मुझे यहां से बहुत मुश्किल नजर नहीं आ रहा। 19 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं, क्लच गॉड यहां पर अभी के लिए प्रिंस ऑफ स्प्रे गॉड की इस डुओ डोमिनेशन पर थोड़ा सा भारी प्रहार करते हुए। स्मोक कवर का इस्तेमाल किया जा सकता है, टीम सोल इज लुकिंग फॉर दोस स्मोक कवर्स एंड ऑलरेडी आप देख सकते हैं रेगल टॉस स्मोक्स को टॉस आउट कर रहे हैं, 7 सीज के ऊपर पूरी तरीके से यहां पे स्प्रे डाउन किया जा रहा है, रेगल टॉस को फायदा मिलेगा सप्रेसर का, M16 विद सप्रेसर, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी पोजीशन यहां पे पता नहीं चलने वाली है। क्लच गॉड गोइंग इन फॉर दैट लो रिज, लाइक यहां पे सोल अगर नहीं दिखते हैं इस लोअर रिज में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बट नियो पीक करते हैं यहां पर 7 सीज से झटका पड़ने वाला है, रेगल टॉस ट्राइंग टू बी एग्रेसिव, अगर क्लच गॉड यहां पे स्पॉट हो जाता है देन इट्स ऑल ओवर फॉर टीम गॉड, लाइक नियो को पोजीशन पता हो चुका है, स्प्रे गॉड किया जाएगा नॉकआउट एंड 7 सीज के आखिरी खिलाड़ी, आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी फाइनली, एंड क्लच गॉड को भी किया जाता है नॉकआउट, इट्स अ 1v1v3 फॉर टीम सोल, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सोल विनर विनर चिकन डिनर, माय एवरीबॉडी हैव टू से अबाउट इट।
विनर्स डोंट वेट फॉर चांसेस, दे मेक देम। यहां पर टीम सोल के पास एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से वो फ्लो की आप बात कर रहे थे वो सामने पूरी तरीके से आ चुका है। वाओ, टीम गॉडलाइक यहां से डाउन हो चुकी है, डाउन टू वन, प्रिंस बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और तीन खिलाड़ी यहां पर टीम सोल के बच जाते हैं। लुक एट द फिनिशेस, 21 फिनिशेस के साथ टीम सोल यहां पर अपने आज के पहले ही मैच में शिखर डिनर लेके जाते हैं।